के एग्ज़ाम दे चुके हैं और यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सोच रहे हैं। बहुत सारे बच्चे CUT के एग्ज़ाम लिखे, कुछ बच्चे CUT का फॉर्म भर के छोड़ दिए, कुछ तो भरे ही नहीं। तो वैसे बच्चे कन्फ्यूज़ हैं कि एडमिशन होगा ग्रेजुएशन में या नहीं होगा, चाहे आर्ट्स के बच्चे हैं, चाहे साइंस के बच्चे हैं, चाहे कॉमर्स के बच्चे हैं। अब उनका कन्फ्यूज़न बहुत पड़ा हुआ है, रोज़ हमारे पास फ़ोन आता है कि सर मेरा क्या होगा, एडमिशन होगा कि नहीं होगा, यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा बिना CUT का कि नहीं होगा। तो मैं आपको आज इस वीडियो में सब बताने वाला हूँ कि अगर कोई बच्चा CUT नहीं भी दिया तो क्या उसका एडमिशन होगा या नहीं होगा, या कोई बच्चा CUT का फॉर्म भर के कुछ एग्ज़ाम दिया कुछ छोड़ दिया तो उसका क्या होगा, आधा एग्ज़ाम लिखा आधा छोड़ दिया। और जो बच्चे CUT का पूरा एग्ज़ाम लिखे हैं, अगर वो एग्ज़ाम लिखे उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा, मार्क्स अच्छा नहीं रहा, तो उनका क्या होगा। और उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ, एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, और फिर मैं बता दूँ पिछले क्लास में भी मैंने, पिछले वीडियो में मैंने बताया था एक फेक मैसेज, जो कि पिछले 15 से 18 सेशन से लेके जो बैक डेट वाले लोगों का जेनरिक पेपर का एक एग्ज़ाम था वो बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा था, फेक मैसेज। सेम फेक मैसेज ये भी वायरल हो रहा है, बहुत सारे लोग इसको तेज़ी से स्टेटस में डाल रहे हैं, फेसबुक में डाल रहे हैं, सोशल मीडिया अकाउंट में डाल रहे हैं, बट इसका सोर्स पता नहीं चल रहा है ये आया कहाँ से। क्योंकि हमने जब गवर्नर पोर्टल, जो हमारे यहाँ चांसलर पोर्टल होता है, वहाँ चेक किया तो ये नोटिस नज़र नहीं आया चांसलर पोर्टल पर। जब BBU के वेबसाइट पर चेक करते तो BBU के वेबसाइट पर भी ये नोटिस नहीं नज़र आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नोटिस, मैं बहुत सारे लोग जो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं उनसे भी मैं पूछ रहा हूँ कि आप अगर डाल रहे हैं तो इसके पीछे का प्रूफ आपने चेक किया, ये नोटिस सही है या फेक है। बहुत सारे फेक नोटिस तेज़ी से वायरल हो रहे हैं, तो ये नोटिस सही है या गलत है इसकी जांच आज हम लोग करेंगे और चेक करने की कोशिश करेंगे कि नोटिस सही है या गलत है। बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि ये नोटिस जो है वो अब एडमिशन के लिए हो गया। तो यहाँ देखिए क्या नोटिस में लिखा है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग, अंडर ग्रेजुएट semester 1 एडमिशन नोटिस बोलता है, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23-27 इन कॉन्स्टिट्यूट अफिलेटेड कॉलेज अंडर विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम FYUGP इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ NEP 2020 फॉर द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड आर इन्वाइटेड थ्रू चांसलर पोर्टल WW। ये चांसलर पोर्टल का साइट है कि वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो jharkhanduniversity.nic.in एज पर फॉलोइंग शेड्यूल्स। अब हम लोग इस साइट में भी चेक करके देखेंगे कि इस साइट में अगर ये नोटिस होगा तो नोटिस सही होगा। तो चांसलर पोर्टल में चेक किए, इस साइट में चेक करेंगे और BBU के साइट में चेक करके देखेंगे कि ये हमारा सही है नोटिस या नहीं। बोलता है स्टार्टिंग डेट फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन फाइल करने का स्टार्टिंग डेट है 26/6/2023 10 बजे से, और लास्ट डेट एप्लीकेशन फाइलिंग का 7 जुलाई को लास्ट डेट है। और पब्लिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 11/7 को आएगा, नहीं 11 जुलाई को आपको मेरिट लिस्ट मिल जाएगा। और डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर सकते हैं 12/7 से 15/7 के बीच में। और डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन है 16/7 से लेकर 19/7 के बीच में आप एडमिशन कर सकते हैं। देखिए यार क्या लिखा है, एप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू फिल द एडमिशन फॉर्म वेरी केयरफुली बिकॉज एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विच लीड्स टू दियर डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एडमिशन मे बी कॉजेज द कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन विदाउट रिफंड ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिशन फी। बोलता है कि हर बच्चा एप्लीकेशन को बहुत सावधानी से भरेंगे, क्योंकि किसी भी तरह की गलती या कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपने गलत दे दिया एप्लीकेशन में तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा, और जो आपने पैसा दिया है वो पैसा भी ख़त्म हो जाएगा, उस पैसा को रिफंड नहीं किया जाएगा। इसलिए बोलता है विदाउट रिफंड ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिशन फ़ी। तो जो आप 1500-2000 रुपये एप्लीकेशन एडमिशन फ़ी देंगे वो भी आपका जब्त हो जाएगा, वो भी रिफंड नहीं होगा। इसलिए बहुत सावधानी से पूरे इन्फॉर्मेशन को पढ़ लें। वैसे जब नोटिस आएगा तो मैं बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको भरना है, कौन सा सब्जेक्ट भरना है, मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि ये मौका छूटे नहीं। आप आर्ट्स के बच्चे हैं, साइंस के बच्चे हैं या कॉमर्स के बच्चे हैं, कोई भी स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब भी नोटिस आएगा मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, और ये भी सब्जेक्ट च्वाइसिंग जरूर समझाऊंगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस साल जो एडमिशन लिए थे, जो अभी semester 2 में हैं, वो बहुत बड़ी गलती किए जिसका खामियाजा उनको 6 semester भुगतना पड़ेगा, 6 semester तक उनको भुगतना पड़ेगा उसका खामियाजा। वो गलती आप ना करें, आप सब्जेक्ट च्वाइसिंग में, अभी आपको कुछ नहीं पता है, 6 सब्जेक्ट आपके पास होगा semester 1 में, तो आप 6 सब्जेक्ट को कैसे चुनेंगे, किस तरह से चुनेंगे, च्वाइसिंग क्या होगा, कौन से सब्जेक्ट आपके होंगे, कौन सा सब्जेक्ट IRC में होगा, कौन सा सब्जेक्ट मेजर पेपर में होगा। तो सब्जेक्ट च्वाइसिंग के लिए जब तक आप हमसे ना समझ लें या किसी अच्छे टीचर से ना समझ लें तब तक आप सब्जेक्ट च्वाइसिंग गलत तरीके से नहीं करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर उल्टा पलटा सब्जेक्ट बता देते हैं, उसको नहीं ध्यान देना है।
क्योंकि अगर उस पर ध्यान देंगे तो फंस जाएंगे आप। जो सही लोग सही सब्जेक्ट बता रहे या तो अपने कॉलेज के टीचर से कांटेक्ट करना, बट सब्जेक्ट का सिलेक्शन सही होना चाहिए, क्योंकि एक बार गलत आपने भर दिया तो ना कॉलेज चेंज करेगा ना यूनिवर्सिटी चेंज करेगा। ये 11th और 12th नहीं है कि रजिस्ट्रेशन से पहले चेंज करेंगे, रजिस्ट्रेशन ही है ये। अगर आप चांसलर पोर्टल में अपने आप को डाल रहे हैं, इसका मतलब आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन एडमिशन सब हो गया एक साथ, तो जो गलत भरा गया सो भरा देगा, उसको ना कॉलेज चेंज कर सकता है ना यूनिवर्सिटी चेंज कर सकता है, क्योंकि आपकी जानकारी चांसलर पोर्टल का मतलब क्या होता है कि आपकी जानकारी राज्यपाल के पास पहुंच गई, तो बताइए राज्यपाल के पास पहुंच गई उसको ना यूनिवर्सिटी चेंज करेगा ना कॉलेज चेंज कर सकता, किसी के पास की बात नहीं। इसलिए यूनिवर्सिटी और जो कॉलेज है वो कंट्रोल होता है राज्यपाल से, तो राज्यपाल के पास आपका जानकारी जो जाएगा वही जानकारी हमेशा के लिए रहेगा, तो सही चीज़ भरेंगे आप। अब आगे नीचे कुछ लिखा है, एक कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया, हम लोग इसको भी ट्राई करके देखेंगे इससे फेक है या सही है, एक बार मैं ट्राई कर लूँगा इसमें। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि नोटिस सही नहीं है, क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है 23/6/2023, और अगर हम 23/6/2023 को इस साइट पर चेक करते हैं, जो कहाँ पे देखिए लिखा है कि कहाँ पे दिया हुआ है, विजिटिंग वेबसाइट www, इसमें अगर हम चेक कर रहे हैं तो बोलता है देखिए यहाँ लिखा है क्या, रिफंड ऑफ एप्लीकेशन फी, फर्दर दे आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग यूनिवर्सिटी वेबसाइट https://www.pbu.ac.in रेगुलरली फॉर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नोटिफिकेशंस एंड डेट अपलोडेड ऑन द टाइम टू टाइम। बोलता आप उस साइट में जाके चेक करते रहिए समय समय पर, ताकि आपको इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और डेट्स आपको पता चलते जाएँ। अप्लीकेशन अप्लीकेंट्स मे टेक असिस्टेंस वाइल अप्लाइंग द एडमिशन एंड टेकिंग एडमिशन ऑनलाइन थ्रू द हेल्प डेस्क कॉमन सर्विस सेंटर्स इन द अकॉर्डेंस कॉलेजेस एंड इन द BBU कैंपस। अगर किसी को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय कोई प्रॉब्लम होता है तो वो ऑनलाइन जो हेल्प डेस्क है उसका सपोर्ट ले सकता है, कॉमन सर्विस सेंटर का सपोर्ट ले सकता है। उसके लिए वो क्या कर सकता है, तो उसके लिए एक नंबर जारी किया गया, इस नंबर पे फ़ोन करके बोलता है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट द मोबाइल नंबर ये। अब जब भी आपको लगता है तो आप इस मोबाइल नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट अभी तक तो ठीक है, यहाँ तक नोटिस मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन लास्ट में ये जो सिग्नेचर है ना, ये सिग्नेचर हमारे रजिस्ट्रार का है ही नहीं, ये हमारे रजिस्ट्रार का सिग्नेचर नहीं है। मुझे यहाँ लग रहा है ये फेक है ये नोटिस, और ये नोटिस फेक मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि रजिस्ट्रार का हमारा सिग्नेचर क्या है, रजिस्ट्रार का साइन कैसा होता है। रजिस्ट्रार का साइन आप देख लेना, यहाँ जो लिखा हुआ है उस टाइप का सिग्नेचर नहीं। अभी मैंने चेक किया था जेनरिक पेपर का इंस्ट्रक्शन, मैं चेक करके दिखाता हूँ कि साइन रजिस्ट्रार का नहीं है। मैं आपको जेनरिक पेपर का इंस्ट्रक्शन एक बार चेक करके दिखाता हूँ कि क्या है। देखिए मैं आपको आपके सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्रोम में जाके कि क्या है रजिस्ट्रार का सिग्नेचर, गूगल VBU नोटिस बोर्ड। चलिए VBU नोटिस बोर्ड में जाते हैं, नोटिस अब देखिए यहाँ पे अभी नोटिस में कहीं है आपके बारे में, देखिए नोटिस बोर्ड VBU का निकल गया, कहीं भी इस पेपर के बारे में जानकारी नहीं। देखिए नोटिस का डेट भी लिखा रहता है कि कब है, 23 तारीख को नोटिस जरूर आया है, 23 तारीख को आया है एग्जामिनेशन BEd सेमेस्टर 4 का 21 टेस्ट सेशन का, उसके बाद यहाँ पे डेट ही नहीं दिया है। 23 को ये भी होगा रिवाइज प्रोग्राम ऑफ फाइनल ईयर BDS प्रोफेशनल एग्जाम 2023, और जेनरिक पेपर का देखिए ये नोटिफिकेशन आया, जो पहले फेक था बाद में यूनिवर्सिटी फेक नोटिफिकेशन नहीं है, यूनिवर्सिटी इसको बताया। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं एक बार, देखिए यूनिवर्सिटी बकायदा नोटिफिकेशन निकाल के बताया कि व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहे हैं किसी भी फेक न्यूज़ पर विद्यार्थी ध्यान नहीं दे, यहाँ हमको उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ देखिए परीक्षा नियंत्रक का सिग्नेचर, जो हमारे एग्ज़ाम कंट्रोलर या रजिस्ट्रार है उनका सिग्नेचर देखिए, तो मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पे इस साइट पे कहीं कोई ऐसा जानकारी नहीं दिया। अगर हम इस साइट की बात करें तो, अगर हम लोग चांसलर पोर्टल की भी बात करें तो आप चांसलर पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग चांसलर पोर्टल पर चेक करके देते हैं कि विनोबा यूनिवर्सिटी के लिए कोई नोटिफिकेशन आया क्या। चांसलर पोर्टल, चांसलर पोर्टल देखिए यहाँ पर आ गया। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं झारखंड यूनिवर्सिटी चांसलर पोर्टल, ये खुल गया हमारा चांसलर पोर्टल, और यहाँ भी चेक करके देखते हैं कि कोई ऐसा है। चलिए देखिए अनाउंसमेंट यहाँ पे कुछ है, ठीक है चलिए अनाउंसमेंट ही चेक करके देखते हैं। BBU यूनिवर्सिटी ऑल कॉलेजेस, चलिए देखते हैं इसको, यहाँ कुछ हो ही नहीं है, सर्च क्या करें।
एक ही एंट्री यहाँ पे लिखा है, 110 एंट्रीज कुछ दिखी नहीं, लास्ट डेट 10/5/26/6 कुछ है ही नहीं इसमें, चलो कोई बात नहीं इसको हटाते हैं। और यहाँ देखते हैं इनका नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन में चलिए और नोटिफिकेशन में सर्च कीजिए एकेडमिक ईयर, एकेडमिक ईयर 23 होगा। सेलेक्ट टाइप ऑफ एडमिशन नोटिस और यूनिवर्सिटी अगर हम बात करें तो सेलेक्ट यूनिवर्सिटी में आप जाइए, खुल जा भाई, देखिए नीचे में यहाँ पे। अब देखिए 1 अगस्त 2021 तो ये सब तो है नहीं लेटेस्ट, 18 सितंबर 2020 ये बहुत पुराना हो गया। May 24, 2023 ये नोटिफिकेशन है विनोद बिहारी कोयलांचल, ये हम लोग विनोद बिहारी में घुस गए। चलिए हम लोग बीबीयू में घुसते हैं, विनोबा यूनिवर्सिटी सेलेक्ट यूनिवर्सिटी। चलिए सबसे पहले लास्ट में विनोबा यूनिवर्सिटी, ठीक है, और कॉलेज का कुछ मतलब नहीं। देखिए ये यूनिवर्सिटी का यह भी नोटिफिकेशन है चांसलर पोर्टल में, लेटेस्ट 1 जून 2023 का है, उसके बाद 19 मई को 1 जून 2023 का विनोबा का क्या नोटिफिकेशन है, पीजी का है, पीजी का एडमिशन नोटिस। यूजी का है 19 मई को, तो यूजी का एडमिशन नोटिस है सेल्फ फाइनेंस वोकेशनल कोर्सेज के लिए सेमेस्टर वन का 23/26 मतलब 3 साल वाला। फिर 19 मई को एक और नोटिस है सेल्फ फाइनेंस, वही सेम चीज़ है, एक और नोटिस है यूजी का एडमिशन नोटिस। फिर बीएमएलटी का सेमेस्टर वन का एडमिशन नोटिस है, बीबीए का सेमेस्टर वन का एडमिशन नोटिस है 12 मई को। इसके अलावा कोई भी चांसलर पोर्टल में नोटिस नहीं डाला हुआ है, तो कहाँ से ये न्यूज़ आ रहा है, कौन परोस रहा है इसको और कौन आपके बीच में वायरल कर रहा है और आपका टेंशन बढ़ा रहा है, ये सोचने की ज़रूरत है। तो मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा फेक न्यूज़ आता है तो आप यहाँ नोटिफिकेशन आके चेक कीजिए ना कि चांसलर पोर्टल में हमारे गवर्नर साहब के चांसलर पोर्टल में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ भी नहीं दिख रहा है, वहाँ भी नहीं दिख रहा है, तो हम कैसे माने ये नोटिफिकेशन सही है और कैसे इसको आप सही मानेंगे। इसलिए ऐसे नोटिफिकेशन से बचिए, अगर ऐसा होगा तो यूनिवर्सिटी ज़रूर अपने साइट में लिखेगी, और अगर जिस दिन लिखेगी सतीश कुमार या कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग सबसे पहले आपको इसको बताएगा कि कैसे भरना है, ए टू डे स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ करके दिखाऊंगा कि चांसलर पोर्टल में कैसे भरना है, कैसे। देखिए यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले लॉगिन करना है, लॉगिन से पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा यूज़र आईडी, क्योंकि ये पुराने स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट लॉगिन सेक्शन है पुराने स्टूडेंट के जो ऑलरेडी पहले से हैं, अगर आप नए हैं तो सबसे पहले आप क्रिएट करेंगे। देखिए यहाँ पे 8 यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल है, 8 यूनिवर्सिटीज़ इसमें अवेलेबल है। पहला विनोद बिहारी मातो कोयलांचल यूनिवर्सिटी है झारखंड में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है, जमशेदपुर है झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी है, कोल्हान यूनिवर्सिटी, नीलांबर पीताम्बर है, रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू है, लास्ट में हम लोगों का विनोबा है। देखिए आप कॉलेजें चेक करना चाहते हैं तो बीबीयू में विनोबा में देखिए कितना कॉलेज है, देख लीजिए यहाँ पे एक करके दिया होगा। पहला है आदर्श कॉलेज राजधनवार गिरिडीह, अनदा कॉलेज हजारीबाग, सब दिया हुआ अफिलेटेड क्या है, कौन किसके प्रिंसिपल, पूरा जानकारी है। हॉली क्रॉस कॉलेज इवनिंग, ये भी अफिलेटेड है, बोलता है डॉक्टर सर अनिमन्ना मनुअल इसके प्रिंसिपल है, सबको एक करके दिया हुआ है। बोलता है के वर्मा इवनिंग कॉलेज बेकरी जो है गिरिडीह में है, ये सारा ए टू जेड कॉलेजेस के नाम दिए हैं, 45 कॉलेज इसमें अफिलिएटेड है। 45 कॉलेज में के वीमेंस कॉलेज रामगढ़ है, कोडरमा है, वीमेंस कॉलेज चतरा है, वनांचल कॉलेज टंडवा है, सारे कॉलेजेस के नाम दिए हुए, टेकलाल मातो ठीक है, डिग्री कॉलेज बिष्णुगढ़ है, ये टोटल कॉलेजेज 48 कॉलेजेज है, 45 कॉलेज है जो इसके अंदर अफिलेटेड है। आप कोई भी चेक कर सकते हैं, हजारीबाग में देखिए आपके पास के वी वीमेंस कॉलेज है, कर्णपुरा कॉलेज बड़का गाँव है, हजारीबाग में मार्कम कॉलेज है, ये सारे चीज़ आप चेक कर सकते हैं। आप सीखना चाहिए, सब जानकारी रखना चाहिए कि कौन है, किसके प्रिंसिपल का नाम अवेलेबल है, वो यहाँ मेंटेन करके दिए हुए, तो आप चाहेंगे तो अपने यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हैं कि क्या ये जानकारी जो हमको मिल रहा है यूनिवर्सिटी का वो सही है कि नहीं। आप अपने यूनिवर्सिटी को चेक भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं कि यूनिवर्सिटी है कैसा, कहाँ पर है, पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एक्सप्लोर द यूनिवर्सिटी अगर आप चेक करेंगे तो पूरा डिटेल आपको यूनिवर्सिटी का मिलेगा। लीजिए हम इंटर नहीं कर सकते हैं इसमें क्योंकि हमारा कनेक्शन प्राइवेट हो गया, तो आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन सही है कि नहीं। तो जब भी कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप अच्छे से चेक कीजिए, जांचिए, परखिए और फिर आप दूसरे को फॉरवर्ड कीजिए, क्योंकि दूसरे को परेशान कर रहे हैं और आप भी परेशान हो रहे हैं, तो इनसे बचिए। जैसे नोटिफिकेशन आता है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग आप तक सबसे पहले लेकर आएगा। थैंक यू।